हरियाणा और हरियाणा वासियों के विकास की दिशा में प्रदेश की मनोहर सरकार लगातार कदम बढ़ा रही है, जिसका सीधा फायदा नागरिकों को मिल भी रहा है। इससे न केवल हरियाणा विकास कर रहा है बल्कि अग्रणी राज्यों में भी शामिल हो चुका है। हरियाणा की मनोहर सरकार योजनाओं के जरिए नागरिकों को सुविधा मुहैया करा रही है और इसी दिशा में मनोहर कदम भी बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने दो नए पोर्टल शुरू किए हैं, सीएम डैशबोर्ड और सीएम उपहार पोर्टल। हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार प्रदेशवासियों के हित के लिए काम कर रही है। हरियाणा के प्रगति पथ की इस राह पर हरियाणा वासियों के लिए कई मनोहर योजनाएं भी लागू की गई, जिसका लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को आसानी से मिल रहा है। इस पथ पर निरंतर काम कर रही मनोहर सरकार ने सीएम डैशबोर्ड और सीएम उपहार पोर्टल की शुरुआत की। सीएम डैशबोर्ड पोर्टल के जरिए मुख्यमंत्री हर विभाग और हर योजनाओं की कभी भी ऑनलाइन रियल टाइम निगरानी कर सकते हैं। इसके साथ ही विभागों के प्रदर्शन पर नजर रहेगी, डेटा के निगरानी के साथ ही इसकी तुलना भी की जाएगी और विस्तृत रिपोर्ट को यहां पर देखा जा सकेगा। सीएम डैशबोर्ड पोर्टल के जरिए केवल एक क्लिक से हरियाणा में किसी भी विभाग और किसी भी योजना की जानकारी कभी भी मिल सकेगी। इस मनोहर कदम से हरियाणा सरकार नागरिकों की उन्नति को और मजबूत करेगी। उस सीएम डैशबोर्ड की जो आवश्यकता पड़ी, वो इसलिए आवश्यकता पड़ी है कि इतने समय होता नहीं है बैठकों में लगातार उनका रिव्यू करें, और एक बार रिव्यू होता तो फिर कई बार महीनों बाद फिर जाकर के रिव्यू होता है। तो हर एक विभाग को ये कहा कि वो अपना डैशबोर्ड के साथ लिंक कर दें उनकी जो डे टू डे की सब एक्टिविटीज़, क्योंकि ये जितने भी डैशबोर्ड्स बने हुए अलग अलग, उन सब डैशबोर्ड का क्या बोलते हैं APIs को एक ही डैशबोर्ड के साथ जोड़ करके जिस विभाग को जब देखना हो तो उसको उसी समय देखा जा सकता है। इसकी आवश्यकता महसूस हुई थी, तो इस नाते से एक अलग से हमने सीएम आवास पर एक स्थान भी बनाया है। कभी एक आध बार उस स्थान पर आपको भी सारा वो जैसा आज देखा है तो विस्तृत रूप से कुछ जानकारियां देनी होंगी तो उसकी दी जाएंगी। वहां पर जब चाहे किसी भी विभाग की जानकारी ली जा सकती है, और इस जानकारी लेने में विभाग के अधिकारियों की जरूरत नहीं होती, जब भी चाहेंगे क्लिक करेंगे उसका रियल डाटा वो दिखा जा सकता है। तो उसकी मॉनिटरिंग करना, इन एब्सेंसिया यानी विभाग के अनुपस्थिति में भी मॉनिटर करना वो की जा सकती है, और उसमें जब भी किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी तो विभाग को तुरंत उसका मैसेज भी दिया जा सकता है, और इसकी ट्रैकिंग जो है वो लगातार की जा सकती है। प्रगति कैसे कैसे उसका ग्राफ है प्रोग्रेस का, इसको भी मॉनिटर किया जा सकता है, क्या रेगुलर प्रोग्रेस है कि नहीं है, टाइमलाइंस ये मीट आउट हो रही कि नहीं हो रही है। कई बार विभाग के लोग बता देते हैं कि ये काम हम अमुक तारीख तक करेंगे, अब अमुक तारीख आ गई, हुआ कि नहीं हुआ उसकी जानकारी हमें भी महीनों बाद ही लेनी पड़ती है कि हाँ उस दिन तक हो गया था कि नहीं हो गया था, और कई बार तो उस दिन भी नहीं होता, फिर नई तारीख तय हो जाती है। तो अब ये थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ये भी जानकारी मिलेगी कि किस विभाग ने कौन सी टारगेट तय किया था डेट का, और कितने टारगेटेड डेट के ऊपर कंप्लीट हुए, कितने डिफॉल्ट हुए तो डिले कितने दिन का हुआ। ये जानकारियां एक प्रकार से गुड गवर्नेंस के नाते इस सीएम डैशबोर्ड पोर्टल का बहुत बड़ा हमको लाभ होने वाला है। निरंतर जो है उसकी कार्य की प्रगति ये हमको उसमें मिलती रहेगी। हरियाणा के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही मनोहर सरकार लगातार अपने कदम विकास की दिशा में आगे बढ़ा रही है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री ने जिस सीएम उपहार पोर्टल की शुरुआत की, जन कल्याण की दृष्टि से एक बहुत ही बेहतर कदम साबित हो रहा है। सीएम उपहार पोर्टल पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मिलने वाले उपहारों को ऑनलाइन नीलाम किया जाएगा, जिससे मिलने वाली धनराशि को जन कल्याण में खर्च किया जाएगा। हरियाणा की मनोहर सरकार नागरिकों की उन्नति और प्रगति के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। मनोहर सरकार इसके लिए हर असंभव काम को संभव करने में जुटी है। इसी प्रकार जो दूसरे पोर्टल के बारे में भी बताया गया है, उसका हेतु एक नहीं कई हेतु हैं। पहली बात तो ये कि इस प्रकार की जो भेंट मिलती है, जितने भी जहां हम जाते हैं, हर व्यक्ति अपनी
खुशी से, प्रसन्नता से, या हो सकता है वहाँ अपने नाम के नाते से भी मैंने मुख्यमंत्री को ये दिया, यानी उसका कोई आवश्यकता के साथ संबंध नहीं है कि मेरी कोई आवश्यकता है इसलिए मुझे मिल रहा है। या कुछ चीज़ें डेकोरेशन के लिए भी मिलती हैं, कुछ लोग उसमें अपने फोटो खिंचाने के लिए भी शायद हमारे पास आकर के देके जाते होंगे, पर्पज कोई भी हो, लेकिन ऐसी चीज़ों का भी समाज हित में कोई उपयोग हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब इसका कोई कॉस्ट के नाते कोई अंतर नहीं पड़ता, कॉस्ट ठीक है वो कोई 10 रुपये की चीज़ होगी, कोई 100 रुपये की होगी, कोई 1000 रुपये की होगी, कोई 10,000 की होगी। कोशिश मेरी रहती है कि मैं ज़्यादा कॉस्टली इस प्रकार की भेंट नहीं लेता, लेकिन कभी कभी तो हमें नहीं पता लगता कि ये कितने की है। एक पेन मुझे कोई दे करके गए तो मुझे तो पता नहीं था ये पेन किस कंपनी का क्या है, इतना कभी ध्यान नहीं रखा उसका। आकर के हमने वेबसाइट पर अपने साथी को कहा भाई देखो तो सही, तो वो 1,00,000 रुपये का पेन, यानी 1,00,000 रुपये का पेन, आंखें खुली रह जाती हैं कि भी पेन भी 1,00,000 का होता है क्या। तब मुझे बताया गया कि पेन तो 10-10 लाख रुपये के भी हैं, घड़ियाँ 20-20 लाख रुपये की हैं, लेकिन मेरा उससे परहेज रहता है एकदम। मान लो कोई अचानक आ भी जाए, गलती से भी आ जाए, तो फिर अपने पास रखने की बजाय उसको किसी को भी भेंट करके और बदले में कोई डोनेशन उससे प्राप्त करके क्या समाज के काम में नहीं लगाया जा सकता। अब उसका हमारा मन भी उसमें ठीक हो गया कि हमें कोई महंगी भेंट अपने लिए उपयोग नहीं की, और उसका भी सामने वाले को भी मन को कष्ट नहीं हुआ, उसने दे करके संतोष कर लिया। बाद में जब उसको ही पता लगेगा कि हाँ इसी भेंट के बदले में और किसी कोष में 2-4-5 लाख रुपये आ गया है, तो संतोष भी हो सकता है, अगले को भी अच्छा लगेगा। ऐसा एक ये सारा शुरू किया है, वैसे कोई पहली बार में शुरू करा ऐसा नहीं है। सामान्यतः प्रधानमंत्री जी के बारे में भी आपने देखा कि इस प्रकार की सारी जितनी भी उनकी भेंट होती है वो साल में 1-2 बार उसका ऑप्शन लगाते हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश और प्रदेशवासियों के हित के लिए बड़े से बड़े कदम उठा रही है, जिससे कि प्रदेश की जनता खुशहाल और समृद्ध हो सके। और मनोहर सरकार इस कोशिश से हरियाणा का कोना कोना चमका रही है, और आज हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में गिना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।